press the bell icon for all the updates. मम्मी पापा जब भी आते हैं खुश तो बहुत होती हूँ मैं ऑफ कोर्स, और इस बार आम लेकर आए हैं तो आम तो मेरे फेवरेट है। मैं एक्चुअली दोनों ही पेरेंट्स से बहुत एम्बेरस्ड हूँ। पहले तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ से तो एम्बेरस्ड ही हूँ। मम्मी जी पापा जी हर बात पे हर किसी के सामने लड़ने लग जाते हैं, और मेरी माँ उनको रोकने के लिए भी लड़ने लग जाती हैं और बोल अपनी लड़ाई के बारे में बोलने लग जाते हैं। तो दोनों ही तरफ से थोड़ी सी एम्बेरस्ड हूँ, पर आई थिंक यू नो ये होता ही है जब कपल्स एक दूसरे के साथ इतने टाइम तक रहते हैं तो झगड़े में ही प्यार होता है। जी बिल्कुल, टीवी देखिए, टीवी पे झगड़े देखिए और रियल लाइफ में मत कीजिए। यही सलाह देती है मेरी माँ मम्मी जी को। अब हमारे घर में आएगा टीवी और देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ एक्चुअली टीवी को लेकर हर घर में मचमच होती है, तो हमारे घर में कुछ अलग तरह की मचमच है। हमारे घर में टीवी इसलिए आया कि मचमच ना हो। एक्चुअली हमारे जो मेरे जो पापा जी और माँ हैं वो जैसा आपने देखा होगा कि बहुत लड़ते हैं आपस में। तो जो रूपा की माँ है वो एक दिन आके बोलती है कि आप लोगों की लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ बातें बहुत करते हो। अच्छा कपल वो है जो बातें ही ना करें, तो जब बातें होंगी नहीं तो लड़ाई नहीं होगी। तो बातें ना करने के लिए अच्छा है कि आप लोग टीवी देखो, टीवी में अपने आप को बिजी करो तो लड़ाई नहीं होगी। तो प्रेमनाथ और प्रेमिता दो टीवी ले आते हैं अलग अलग, और अब वो दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। उसको लेके पूरा ड्रामा है कि कैसे फिर एंड में रियलाइज़ होता है कि भाई इनके लिए लड़ना भी ज़रूरी है, अगर नहीं लड़ेंगे तो घर में रौनक नहीं है, इन दोनों का प्यार नहीं है। तो कैसे फिर वो टीवी वहाँ से वापस हटाया जाता है और क्या क्या ड्रामे होते हैं वो सब ये है। नहीं नहीं, इनका झगड़ा जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा, क्योंकि ये इन लोगों की शादी को 30-40 साल हो चुके हैं, और 40 साल बाद कपल की ज़िंदगी में एक अपने आप में एक मिठास होती है, उसको आप लड़ाई नहीं बोल सकते। वो क्या होता है कि छोटी मोटी नोक झोंक होती है, तो वो नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में चलती रहे तो ही अच्छा है। कोई बड़े झगड़े नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो मीठी वो चलती हैं, चलती रहेंगी हमेशा। सर ये तो सीन की बात हुई, अगर पर्सनली देखा जाए तो क्या आप इससे एग्री करते हैं इस बात को कि नोक झोंक होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए बहुत नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली, और छोटा मोटा होना चाहिए, मतलब हंसी मजाक मस्ती मजाक थोड़ी नोक झोंक थोड़ी तू तू हमें ये तो होना चाहिए, तभी तो लाइफ में मजा, वरना एकदम फ्लैट क्या मतलब। कीप वॉचिंग बेलन वाली बहू, आगे आने वाले एपिसोड्स और भी बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारी मस्ती है। सो कीप वॉचिंग बेलन वाली बहू।